क्या बद्दुआ ले रहा है नितिन, यहाँ से जब गया है वो अपनी मर्जी से गया है, हमने कोई धक्के मार के थोड़ी भगाया उसे। यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। आए दिन लोग अरमान और उनकी फैमिली को लेकर तरह तरह के कमेंट करते हैं। हालांकि अरमान को प्यार करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि इतने सारे गंदे कमेंट्स देखने के बाद पायल और कृतिका ने फैसला किया कि फाइनली इन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया जाए। अपने नए चैनल टॉक विद कृतिका एंड पायल में जिस तरीके से करारा जवाब देती नजर आई हैं पायल कृतिका, उससे ये बात साफ है कि ट्रोल्स का पायल कृतिका या फिर अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में जो नया वीडियो सामने आया है पायल और कृतिका का, उसमें ट्रोल्स को करारा जवाब देती नजर आई हैं दोनों, और वजह बना है फैंस का वो कमेंट जिसकी वजह से पायल और कृतिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये बात आप जानते हैं कि बहुत टाइम से अरमान मलिक के साथ काम करने वाले लोग उन्हें धीरे धीरे छोड़ कर जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नितिन की, जिन्होंने अरमान का घर छोड़ दिया। आपने नितिन को कई सारे व्लॉग्स में देखा होगा पायल अरमान और कृतिका के साथ, और खासकर वो अपने व्लॉग चीकू के साथ बनाया करते थे। लेकिन अचानक से नितिन ने अरमान से अपनी राहों को बिल्कुल अलग कर लिया। उन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया। नितिन ने ना सिर्फ व्लॉगिंग स्टार्ट की बल्कि अरमान के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। उनके तमाम व्लॉग्स पर लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, तुम अरमान से कैसे अलग हो गए। नितिन वत्स के बाद अनुज रामगढ़िया ने अरमान का घर छोड़ दिया। ये सभी लोग नजर आते थे अरमान के व्लॉग्स में, और देखते ही देखते लक्ष्य चौधरी, जिन्हें आपने कई बार अरमान के व्लॉग्स में देखा, उनके जिम में देखा, उन्होंने भी अरमान का घर छोड़ दिया है। अब ऐसे में अरमान को लोग एक एक कर छोड़ते जा रहे हैं। पायल कृतिका ने इस नए वीडियो में तमाम तरह के सवालों का जवाब दिया, और इसमें एक सवाल ये भी था कि नितिन की बद्दुआएं लग गई हैं आपको, जिसकी वजह से आपका बेटा बीमार पड़ा है, आपकी फैमिली में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब जब पायल कृतिका अपनी फैमिली के बारे में इस तरीके का कमेंट देखेंगी तो उनका जवाब देना बनता भी है। पायल और कृतिका ने बकायदा इस सवाल को उठाया और बताया कि इस शख्स ने क्या कमेंट किया। इस शख्स ने कमेंट किया था कि आपको शायद नितिन की नज़र लग गई है, आप लोगों ने नितिन के साथ गलत किया है जिसकी वजह से आपकी फैमिली में इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं। इसके बाद कृतिका ने बकायदा इस शख्स को जवाब दिया और कहा कि नितिन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, और ना ही हमने नितिन को घर से निकाला है। नितिन जब तक हमारे साथ था वो साथ रहा, लेकिन अब नितिन ने अपनी राह अलग कर ली है तो ये उसका पर्सनल डिसीजन है। वो अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा है और हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसको बोल दिया है कि तुम अपने घर पे खुश रहो, हम अपने घर पर खुश रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोग पायल कृतिका को ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते हैं। जिस तरीके से पायल कृतिका ने ये वीडियो बनाया और उन सभी लोगों को जवाब दिया जो कि उन्हें ट्रोल करते हैं, ये वाकई काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आपका साथ अरमान, अनुज, लक्ष्य ने क्यों छोड़ दिया, एक एक करके आपकी टीम खाली क्यों होती जा रही है, आखिर आपके गलत बर्ताव की वजह से लोग आपका घर क्यों छोड़ रहे हैं। पायल कृतिका लंबे टाइम से इस बात को लेकर ट्रोलिंग झेल रही हैं कि वो घर में डोमिनेट करती हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने पायल पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो हमेशा गोलू यानी कि कृतिका को दबाकर रखने की कोशिश करती हैं। अगर आपने पायल कृतिका का ये नया वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए और बताइए कि उन्होंने किस तरीके से ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।